हमास के 400 से 500 आतंकवादी, 5000 रॉकेट लॉन्च करके 7 डिफरेंट सिटीज पे इजराइल के अटैक किया और इजराइल की जो फेंस है उसे विस्फोट करके तोड़ा और कार से, ट्रक से, बाइक से, पैदल, साइकिल से और भी इजराइल मुस्लिम कंट्री जो है इजराइल को मान्यता देने के लिए लगभग तैयार हो रहे हैं और उनसे अपने व्यापारिक रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा जो करंट सिचुएशन है इस समय वर्ल्ड की। अभी तक जैसा हमें पता है 1.5 साल से लगभग यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है और वो उसका कोई अभी निश्चित कोई सलूशन नहीं निकला और ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ। जैसा कि कल रिपोर्ट आ रही है, कल से एक नया फ्रंट खुल गया है हमास और इजराइल के बीच। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का मामला बहुत ही पुराना है और इस झगड़े का जो कारण है वो कुछ एरिया के कब्जे को लेके है, जैसे गाजा पट्टी और अलेक्सा मस्जिद। कुछ एरिया है जिस पे दोनों देशों का दावा है। फिलिस्तीन कहता है ये हमारा है, इजराइल कहता है ये हमारा है। अब जैसी करंट सिचुएशन है वो एक नए फ्रंट की तरफ ले जा रही है और ले क्या जा रही है, लगभग वो फ्रंट स्टार्ट ही हो चुका है। फ्रेंड्स, इस युद्ध में विश्व का क्या क्या रोल हो सकता है, चाहे इस युद्ध को बढ़ाने में या कम करने में, और इसका क्या परिणाम होगा, और तीसरी चीज, इस नए वार फ्रंट के खुलने पे हमारे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी विदेश नीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि ये कल की जो घटना है ये स्टार्ट कहां से हुई। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसको कुछ मुस्लिम देशों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे सपोर्ट है और उनकी भी मेंटेलिटी वही है जो आईएसआईएस की है, अलकायदा की है, लश्करे तैयबा की है। तमाम आतंकवादी संगठनों का जो जहन है, जो उनकी सोच है, उससे कुछ हटकर नहीं है। और वो जहन क्या है, एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं कि इजराइल जैसे देश का, यहूदियों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए और इनका जो आपसी झगड़ा है एरिया को लेके, जमीन के टुकड़े को लेके, वो तो एक मेन रीजन है ही है। दूसरा रीजन है इनकी मेंटलिटी का। अब ये जो घटना हुई है इसमें कौन पॉजिटिव रोल निभा रहा है और कौन निगेटिव रोल निभा रहा है। निगेटिव रोल निभाने का मेरा ये मतलब है कि एक संभावना है, जो एक ऐसी चीजें हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये इन चीजों पे बात करने से पहले हमास ने कल किया क्या, वो ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर हम बात करें।
दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, इसमें ये दिख रहा है कि हमास के 400 से 500 आतंकवादी 5000 रॉकेट लॉन्च करके 7 डिफरेंट सिटीज पे इजराइल के अटैक किया और इजराइल की जो फेंस है उसे विस्फोट करके तोड़ा और कार से, ट्रक से, बाइक से, पैदल, साइकिल से इजराइल के अंदर घुस गए, फायरिंग करने लगे और वहाँ तमाम रेजिडेंट्स को, निर्दोष लोगों को बंधक बनाया, मारा, घसीटा और कईयों की ये खबर आ रही है लगभग 100 से ऊपर लोगों की मौत हुई है, जो बेहद ही दुखद है। और इस घटना को अमेरिका ने, वेस्टर्न कल्चर ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूक्रेन ने कंडेम किया है और उसी के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कंडेम किया है। और इस दुख की घड़ी में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के किसी भी इस तरीके की आतंकवादी घटना को ख़त्म करने और उससे लड़ने के लिए, सहयोग करने के लिए अपनी तत्परता जाहिर की है। और इसके एवज में इजराइल के दिल्ली में जो बैठे राजदूत हैं उनकी एम्बेसी से धन्यवाद भी आया। और लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं इसका क्या कारण हो सकता है, ये अचानक से इनकी अचानक से ये जो हुई प्री प्लान्ड है, ऐसा महसूस होता है ये प्री प्लान्ड है, लेकिन ये अभी करने की क्या जरूरत पड़ी। तो इसके बेसिक दो रीजन मेरी समझ में आते हैं। पहला, अभी हाल ही के कुछ महीनों से ये बात चल रही है कि सऊदी अरब, यूएई और भी मुस्लिम कंट्री जो है इसराइल को मान्यता देने के लिए लगभग तैयार हो रहे हैं और उनसे अपने व्यापारिक रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ एक फैक्टर है ईरान का, ईरान का खुला सपोर्ट हमास को है, फिलिस्तीन को है, हमास जैसे आतंकवादी संगठन को है। और ईरान कभी भी ये नहीं चाहता कि सऊदी अरब और यूएई के रिश्ते या अदर मुस्लिम कंट्रीज के रिश्ते इसराइल के साथ हो, क्योंकि ईरान इसराइल का कट्टर दुश्मन है और इसराइल के साथ साथ सऊदी अरब, यूएई से भी ईरान की बहुत अच्छी बनती नहीं है। तो एक कारण तो ये हो सकता है कि कहीं बैकडोर से ईरान का तो नहीं हाथ है। और दूसरा रीजन मुझे अपने परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के, मेरे कहने का मतलब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एक समझ में ये आता है कि अभी हाल ही में दिल्ली में जो G20 हुआ उसकी मीटिंग के बाद एक ट्रेड रूट की बात हुई है जिसमें सऊदी अरब, यूएई और इजराइल शामिल होते हुए वो व्यापारिक ट्रैक जो है वेस्टर्न कंट्री को, यूरोप को जोड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं तुर्की को बाईपास किया गया है। जो तुर्की अभी तक ये कहता था कि तुर्की इज़ द गेटवे ऑफ यूरोप, कि जो भी यूरोप जाना चाहेगा वो तुर्की के बगैर नहीं जा सकता। तो आप सोच के देखिए, अगर ये अल्टरनेट रूट बन रहा है तो कहीं ना कहीं तुर्की का नुकसान समझ में आ रहा है। तो एक संभावना ये हो सकती है कि इन सब चीजों के पीछे तुर्की भी हो सकता है। और अब बात आ गई कि कौन कौन से देश इजराइल के साथ हैं। इजराइल के साथ हर वो देश है जो आतंकवादियों का भुक्तभोगी है और आतंकवादियों के खिलाफ है। और ये जो घटना हुई है इससे इजराइल बहुत ही तिलमिलाया हुआ है और बहुत ही गुस्से में है। और इजराइल का जो इतिहास रहा है, इजराइल कभी भी अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। वहाँ की जो एजेंसी है मोसाद, वो अपने दुश्मनों को
चुन चुन के कहीं भी किसी भी देश में किसी भी टाइम खत्म करने की सलाहियत रखती है और खत्म करती भी है। अब ये करंट जो घटना हुई है उससे इजराइल के अंदर जो गुस्सा भरा है, जो गुस्सा आया है, उससे इजराइल ने काउंटर अटैक किया है। जो हमास के कब्जे में एरिया है उस पे इजराइल ने काउंटर अटैक किया है और इतनी बुरी तरीके से मिसाइल मारा है और मार रहा है कि वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें गिर रही हैं। अब इस समय इजराइल का क्रोध देखकर बहुत सारे देश, मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री और वेस्टर्न कंट्री भी ये समझ गए हैं कि ये जो चीज़ें हुई हैं उसका नतीजा बुरा होगा। और ये डर दुश्मनों में होना अच्छी बात है। अब आते हैं हम इस वीडियो को देखते हैं जो इजराइल ने काउंटर तो दोस्तों ये वीडियो देख के लगता है कि इजराइल कितना गुस्से में है और होना भी चाहिए। और इस तरीके की किसी भी आतंकवादी घटना का जवाब इसी तरीके से होना चाहिए। अब आते हैं हम बात करते हैं मेंटलिटी की। जिस तरीके की मेंटलिटी दिखी है इस घटना में, क्या ऐसी मेंटलिटी हमारे आसपास हमारे देश के नेबरहुड में है क्या? बिल्कुल है। इस घटना से भारत को ये सीखना चाहिए कि कल को ऐसी घटना को हम कैसे टाल सकते हैं और उससे लड़ने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। और जिस तरीके का डर इजराइल का उसके दुश्मन देशों में, दुश्मनों में है, उस तरीके का डर भारत के प्रति उसके दुश्मनों में बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों अभी भी इजराइल और हमास, फिलिस्तीन, लेबनान के बीच में युद्ध चल रहा है और ये नया फ्रंट है युद्ध का। और जैसे जैसे इसमें कुछ प्रोग्रेस होगी वैसे मैं आपके बीच वीडियो लाता रहूँगा और क्षमता के अनुसार जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मुझे आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।